क्या इस बार जो 6 साल वाला क्राइटेरिया रखा था कि 6 वर्ष में ही पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगी, मतलब राहत दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं? ना उसमें राहत देगी, पिछले कैबिनेट में इसके बारे में निर्णय हुआ था और शीघ्र हम इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। और वर्तमान में आप जानते हैं कि एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका मैंडेट है कि आपकी क्लास 1 की जो भर्ती होगी 6 वर्ष में होगी। और जहाँ तक राहत देने की बात, उस पर पिछली कैबिनेट में चर्चा हुई और शीघ्र इससे संबंधित आपकी नोटिफिकेशन होने जा रही है। कितने मंथ की होगी सर? मैं आपको नोटिफिकेशन की बात आपको स्वयं उसका पता लग जाए। निजी स्कूलों पर इम्प्लीमेंट होगा ये? सब पर इम्प्लीमेंट होगा, वो भी हमसे बाहर नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र पर इम्प्लीमेंट है। लगभग सभी प्रदेश सरकारों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और सभी, मैं समझता हूँ, जैसे एजुकेशन बोर्ड्स है, CBSE, सब ने अडॉप्ट कर दिया है। और हालांकि NEP को फॉलो करने वाला हिमाचल सबसे पायनियर स्टेट था, लेकिन कई बातों को लेकर हम पीछे रहे हैं, तो आने वाले समय में और पीछे ना रहे, तभी वर्तमान सरकार ने ये पहल की। रिलैक्सेशन का बोल रहा हूँ, रिलैक्सेशन उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, वो हमसे बाहर नहीं है। तो पूरी प्रदेश का सरकार, चाहे हमारे, मैं समझता हूँ, निजी स्कूल है, चाहे हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, सबके लिए लागू। सर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं पहली बार, कितने स्कूलों में शुरू कर रहे हैं पहले? लगभग सभी प्राइमरी स्कूल्स में, क्लास 1 क्लास 2 में आपकी ये इंग्लिश में आपका शेष के, जैसे मैथ्स की बात आती है, वो प्रारंभ कर लिए। सर, हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार भर्तियों के ऊपर सोच रही है सर? अब मैं अपने विभाग से संबंधित ही कहूँगा, लगभग कोई 2252 तो हमारे बैच वाइज लगभग अंतिम स्टेज पे पहुँच चुकी है नियुक्तियाँ। TGT हमारी लगभग कोई 850 के आसपास, इसी का जो पार्ट है उसकी तो हम शीघ्र, मैं समझता हूँ, लिस्ट जारी करने वाले हैं। और JBT जिसकी संख्या लगभग कोई 1200 के आसपास है, जो इसके माध्यम से हमारी आपकी नियुक्तियाँ हुई है, उसमें एक कंडीशन है कि हमको हाईकोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, हालांकि उसकी काउंसलिंग भी आपकी हो चुकी है। शास्त्री की हमारी, क्योंकि उसमें आप जानते हो BEd non-BEd का एक इशू था, वो आपकी काउंसलिंग 10 तारीख तक कम्प्लीट हो जाएगी और शीघ्र उसके उपरांत हम शास्त्री और JBT से संबंधित मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, ताकि मार्कोमा से भी, मैं समझता हूँ, नोट मिल जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग के बाद एक दफ़ा हमारे को परमिशन हाईकोर्ट की लेनी पड़ेगी। और TGT में कोई इस तरह का बाध्य नहीं किया गया, वो तो हम शीघ्र निकालने वाले हैं। और इसके अलावा भी, जैसे मैंने कहा, हमारी 585 पोस्ट PGT की हमारा पूरा प्रयास है और टाइम टू टाइम हम टेकअप भी करें कमीशन के साथ। 585 पोस्ट हमारी PGT की कमीशन के द्वारा आपकी 31 मार्च से पहले कंप्लीट की गई, जो आश्वासन हमारे को कमीशन ने दिया है। और इसके अलावा भी जो हमारी 2800 पोस्टें थी, जिसकी स्वीकृति हमारे को इकट्ठी कैबिनेट ने दी थी, लगभग कोई आपकी 2252 तो बैच वाइज थी। उसके अलावा जो आपकी चयन आयोग के माध्यम से आपकी फिलअप होनी थी, वो भी हमने, क्योंकि चयन आयोग के गठन में समय लग रहा है, उससे संबंधित भी शिक्षा विभाग ने कमीशन से मामला टेकअप कर दिया, लिखित में दे दिया है कि वही अपने स्तर पर, मैं समझता हूँ, हमारी जो अदर कैटेगरीज की है, जैसे चाहे TGT है, चाहे आपकी JBT की, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें हैं, वो अपने, समझता हूँ, अपने जो प्रक्रिया होती है, आपके रिटर्न होते हैं, उसके माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपकी प्रक्रिया कमीशन करे। इसके बारे में कमीशन के स्तर पर भी निर्णय होना है, हमने लिखित रूप में अपनी रिक्वजिशन कमीशन को भेज दी है। सर, गेस्ट टीचर रखने थे, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि फिलहाल वो है, क्या कोई डिस्कशन हुई आपके साथ? पिछली जिस मीटिंग में इसके संबंधित निर्णय हुआ था, मैं तो स्वयं उस मीटिंग में नहीं था, और माननीय मुख्यमंत्री ने काफी स्पष्ट रूप में इसके बारे में कह दिया, ये मामला फिलहाल सब बंद पड़ा है। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, भाजपा दावा कर रही है कि NDA 400 प्लस और हिमाचल की 400 सीटों पर जीत करेंगे। उनके दावे आपने उपचुनाव के दौरान भी देख लिए, दावे बड़े बड़े करते हैं, उसके विपरीत चारों सीटें कांग्रेस ने जीती। फिर सरकार को रिपीट करने की बात थी, और उसमें भी हर तरह के साम दाम दंड भेद, जो एक चुनाव धन बल और जन बल के बीच था, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अच्छे बहुमत के साथ हिमाचल की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। और हमें पूर्ण आशा है कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, एक भगवान राम के नाम के फेर में से फंसा रही है भाजपा कांग्रेस को, कोई इस चक्र में फंस तो नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं समझता हूँ पूरा हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही देवभूमि है, और हिमाचल का मतदाता हर बात को देखते हुए, हमारे विशेषकर जो विकास के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश में जो उत्थान हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको देख कर अपना आशीर्वाद देगा। और जहाँ तक हमारी, मैं समझता हूँ, एक आस्था की बात है, प्रभु राम पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए कराते देव, और हमेशा रहेंगे, और वो रांति से ऊपर उठ करें। धन्यवाद।